अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। काफ़ी दिनों से कोई व्लॉग नहीं बनाया था, सोचा चलें पेशावर से इस्लामाबाद का ट्रैवल जो मैं कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग के सिलसिले में ये आपके साथ शेयर करता हूँ। ये सुबह का वक्त है, धुंध देख लीजिएगा आप, आपको नज़र आ रही होगी, और ये सूरज आपको जो नज़र आ रहा है बिल्कुल जैसे आग का एक गोला होता है। तो हम रवा दवा हैं जी इस्लामाबाद मोटरवे पे पेशावर से, और आप देख लीजिएगा कि सुबह का वक्त कितना खूबसूरत है। और ये जब मोटरवे पे धुंध थी तो उन्होंने हमें वहाँ से मोटरवे से उतार दिया, और हम टेक्सला के अंडरपास से ट्रैवल कर रहे हैं। और ये टेक्सला का अंडरपास है, जीटी रोड पे अगर आपने ट्रैवल किया हो तो आपको अंदाज़ा होगा। और यहाँ से हम टेक्सला से फिर वापस मोटरवे पे हम चढ़ गए हैं, आप देखिएगा। और ये सामने टोल प्लाज़ा है जी इस्लामाबाद पेशावर का, इस टोल प्लाज़ा के पास हम पहुँच के टोल पे करेंगे, जो कि हमारी एक कौमी ज़िम्मेदारी है, इसको ज़रूर पूरा करना चाहिए जी, और टैक्स देना चाहिए, क्योंकि हमारे टैक्सेस से ही NHA वाले जो हैं वो रोड्स बनाते हैं और हमारे लिए सहूलियत का बायस बनता है जी। ये देख लीजिए, वेलकम टू इस्लामाबाद पेशावर। और एम टैग वाली गाड़ियाँ जो हैं दूसरी साइड से चलती हैं, हमारे पास एम टैग नहीं था तो हमने यहाँ पर ट्रैवल किया है। और रास्ते में ये देखिएगा जी, एक एक्सीडेंट भी आपको मैं दिखाता हूँ। बस तेज़ रफ्तारी की वजह से बाज़ुकात ऐसे हो जाता है, हमें सेफ्टी का ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। ये देखिएगा, दो गाड़ियाँ आपस में टकराई हैं, वजह क्या थी इस बारे में कुछ कह नहीं सकते, शायद तेज़ रफ्तारी हो या गाड़ी में कुछ ख़राबी हो। देखिए ये गाड़ी लगी है और इसका मुँह अपोजिट साइड पर हो गया, और ये आपको नज़र आ रही है जी होंडा, और इसका भी देखें आगे से बुरा हाल हो गया। शुक्र है कि लोग बच गए। उसके बाद मैं सीधा लोकेशन पे गया जी, वहाँ पे मैंने रिकॉर्डिंग की अपने एक नए ड्रामा सीरियल की जिसका नाम है नूर। उसकी रिकॉर्डिंग सीधा सेट पे गए, काफ़ी हम थके हुए भी थे, और वहाँ से फिर हम वापस जो है ट्रैवल करेंगे, वापस जाएंगे गेस्ट हाउस। आप देखिएगा इस रिकॉर्डिंग की सारी क्लिप्स तो मैं आपको नहीं भेज सकता, बाद में भेजूँगा तभी। और ये मैंने किसी को दिया था कैमरा, मैंने कहा थोड़ा सा इसको रिकॉर्ड कर ले आपके लिए। उसके बाद प्रसिद्ध हम कमरे में आ गए जी गेस्ट हाउस में, और गेस्ट हाउस आपको दिखाता हूँ मैं, ये F7 के पास ही है जिसको हम जिन्ना सुपरमार्केट कहते हैं। और ये मेरा कमरा है जी, यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट किया, रेस्ट करने के बाद फ्रेश होने के बाद मैंने सोचा कि चलें जी F7 का रिविज़िट करते हैं। ये देखिए यहाँ पर LED भी लगी हुई है, और फ्रेश होने के बाद यहाँ से हम निकलेंगे जी और F7 जाएंगे जिन्ना सुपरमार्केट। और ये शाम का वक्त है जी, तकरीबन रात के 8 बजे चाहते हैं, और यहाँ पे लोगों का काफ़ी रश था, वीकेंड भी था, और देखें गाड़ियाँ। और यहाँ पे इस्लामाबाद में एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि लोग दिन को तो अपने कामों में मसरूफ़ होते हैं, शाम को फिर ये निकल आते हैं और शॉपिंग करते हैं और खाना वाना खाते हैं जी बाहर, बस यही इनकी आउटिंग है। इस्लामाबाद को परदेसियों का शहर कहा जाता है, जब छुट्टियाँ होती हैं तो बिल्कुल इस्लामाबाद में खामोशी और हु का आलम होता है। और ये देखिए ये बैक साइड है जी जिन्ना सुपरमार्केट की, इसके सामने ही हमारा गेस्ट हाउस था, और पार्किंग आप देख लीजिएगा, यहाँ पे सारे ब्रांड्स की दुकानें आपको नज़र आती हैं, और काफ़ी रश भी होता है जी यहाँ पे, और लोग आते हैं, ख़रीदारी भी करते हैं, इंजॉय भी करते हैं। और यहाँ पर हमने खाना खाया, सर्दी का मौसम था, देखें आपको आग भी लग गई यहाँ पे महसूस हो रही होगी। और यहाँ पे होटल वालों ने क्या किया था कि साथ में बोन फायर का इंतज़ाम भी किया हुआ था। यहाँ पे हमने खाना खाने के बाद थोड़ा सा बाहर निकले, थोड़ी सी चहलकदमी की, और मैंने कहा चलें छोटा सा व्लॉग भी आपके लिए बना लेते हैं। और ये देखेंगे सामने आपको डॉलर शॉप नज़र आ रही है, यहाँ पर ये बच्चों की कुछ चीज़ें हैं। मिलते हैं जी आपसे किसी दूसरे ब्लॉग में, अपना ख्याल रखते हुए हमें दुआओं में याद रखिए।